Call is now being recorded. Hello students, welcome to Avanti classes. My name is Raj Jaiswal and today we will discuss chemistry question of your test whose code is SBAT 2524, and the chapter of chemistry is haloalkene and haloalkyl for CAE exam. बच्चों, अगर बात करें इस चैप्टर की वेटेज की, तो आपका इस चैप्टर का जेई में वेटेज होता है अप्रोक्स 1 क्वेश्चन आते हैं, कभी 2 भी पूछे जा सकते हैं, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आपका वेटेज रहता है, ठीक है। परसेंटेज की बात करो तो 3-5% वेटेज रहता है इस चैप्टर का। एंड योर केमिस्ट्री सेक्शन बच्चों स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये आपका रिएक्शन दे रखा है, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेंड इज, मतलब इस रिएक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या है, ठीक है। और आपके सामने ये 4 ऑप्शन है बच्चों। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिएक्शन में आपको दिया हुआ है Br2 और HNu, और हमें पता है कि जब Br2 और HNu के प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाए तो ये पाथवे फॉलो करता है, कौन सा पाथवे फॉलो करता है, ये फॉलो करता है फ्री रेडिकल पाथवे, फ्री रेडिकल पाथवे फॉलो करता है, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, कौन सा बनेगा जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल हो। मेजर प्रोडक्ट बच्चों वही बनेगा जिसका इंटरमीडिएट क्या हो, मोर स्टेबल हो, जिसका इंटरमीडिएट क्या हो, मोर स्टेबल हो। तो हमारा क्या है, रिएक्टेंट क्या था बच्चों, हमारा रिएक्टेंट था, हमारा रिएक्टेंट है मेरा यहाँ पे बीआर, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ था, CH3 जुड़ा हुआ था, ओके। यहाँ पे आपका CH3 ऐड था, जुड़ा हुआ था, और हम रिएक्टेंट क्या दे हुआ है, Br2 और HNu। ये फ्री रेडिकल पाथवे होगा, तो फ्री रेडिकल पाथवे अगर होगा तो बच्चों हम इंटरमीडिएट चेक करेंगे। इंटरमीडिएट क्या चेक करेंगे, देखो अगर इसका एक इंटरमीडिएट हम बनाए ऑप्शन नंबर ए के थ्रू देखे, तो ऑप्शन नंबर ए अगर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए तभी करेक्ट होगा जब इसका इंटरमीडिएट क्या होगा, यहाँ पे कोई फ्री रेडिकल आया होगा। ऑप्शन नंबर ए के लिए क्या होगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन वापस जाएगा और फ्री रेडिकल यहाँ पे आएगा। ऑप्शन नंबर बच्चों 2 चेक करोगे तो फ्री रेडिकल कहाँ पे आएगा, ऑप्शन बी में, यहाँ पे। ऑप्शन सी में आपका ये रहा फ्री रेडिकल, और ऑप्शन डी में ये रहा फ्री रेडिकल। हम चेक करेंगे इन सभी में सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है, कौन सा फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जहां पे आपको ऑप्शन में ब्रोमीन दिया रहेगा ना, वहां पे आप फ्री रेडिकल बना लेना, वहां पे आप फ्री रेडिकल बना लेना, क्योंकि ये फ्री रेडिकल पाथवे से होता है रिएक्शन। तो अब बताओ कौन सा फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो हमें पता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्या होता है, स्टेबिलिटी की बात करोगे तो क्या होगा बच्चों, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी जो होता है आपका थ्री डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, एंड फिर होता है आपका 1 डिग्री, मतलब 3 डिग्री फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्चुअली उसमें क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होता है, 3 डिग्री वाले में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या मोर होती है। तो यहाँ पे देखना ये कौन सा फ्री रेडिकल है, अरे यार ये तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, ठीक है। ये जो ब्रोमीन यहाँ पे जगह फ्री रेडिकल बनागा तो ये क्या है, बस एक 1 डिग्री है। ये वाला कौन सा फ्री रेडिकल कहलाएगा भाई, ये आपका फ्री रेडिकल होगा 2 डिग्री, 2 डिग्री हो गया, देखो एक इधर गया बॉन्ड, एक इधर बॉन्ड गया, 2 बॉन्ड, तो इसलिए 2 डिग्री। ये देखो ये आपका 3 डिग्री फ्री रेडिकल है ना, यहाँ पे जो फ्री रेडिकल बना है देखो, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 3 डिग्री फ्री रेडिकल हुआ। और लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला भी आपका 2 डिग्री फ्री रेडिकल हो रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ भैया, सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ आपका थर्ड वाला। तो आंसर क्या होगा इसका, 26 का आंसर होगा सी, ओके। जब कभी भी आपका ब्रोम Br2 और HNu ठीक है वाला रिएक्शन हो तो आप क्या देखोगे, आपको पता होना चाहिए कि ये फ्री रेडिकल पाथवे से होता है, और फ्री रेडिकल पाथवे से होगा तो कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा,
कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होगा? भैया मेजर प्रोडक्ट वही होगा जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल, और इंटरमीडिएट किसका ज्यादा स्टेबल, जिसका फ्री डिग्री का ज्यादा स्टेबल होता है, और फ्री डिग्री का सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, 3 डिग्री, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 पाते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपका कि डायरेक्शन ऑफ टॉलवीन विथ Cl2। सबसे पहले टॉलवीन लिखो, सबसे पहले आप टॉलवीन लिखो, ये रहा आपका टॉलवीन, ये आपका टॉलवीन रहा, ठीक है, और इसका रिएक्शन करना है किसके साथ, Cl2 के साथ, Cl2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, और ये आपका X दे रहा है, ये क्या दे रहा है, X दे रहा है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड X एंड द रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स Y। अगर इसी का रिएक्शन आप कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब इसका रिएक्शन आप कराओगे Cl2 और लाइट, लाइट के प्रेजेंस में मतलब HU, तो आपका प्रोडक्ट क्या दे रहा है, Y दे रहा है, और ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाई X क्या है, Y क्या है, अब बता दो, X क्या होगा, Y क्या होगा, अब बता। तो देखो Cl2 के प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये तो Friedel-Crafts रिएक्शन होगा, ये तो आपका Friedel-Crafts रिएक्शन होगा, और आपको पता है ना Friedel-Crafts रिएक्शन में क्या होता है, क्लोरीन ऐड होता है, Friedel-Crafts, ये आपका क्या, कौन सा रिएक्शन है, ये आपका Friedel-Crafts रिएक्शन है, ठीक है, एक नियम रिएक्शन होता है Friedel-Crafts, वो ये कौन सा रिएक्शन है, Friedel-Crafts रिएक्शन है। तो Friedel-Crafts रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट जो बनता है बच्चों, जो प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, Cl2 है ना, तो क्लोरीन ऐड होगा, क्लोरीन कहाँ ऐड होगा, ऑर्थो पे और पारा पे, दो प्रोडक्ट बनेगा, एक में क्लोरीन ऑर्थो पे ऐड कर दो और दूसरा क्या हो जाएगा, क्लोरीन को आप पैरा पोजीशन पे ऐड कर दो, सेकंड क्या होगा प्रोडक्ट आपका, क्लोरीन को भाई पैरा पोजीशन पे ऐड कर दो, ठीक है, क्लोरीन आपका कहाँ ऐड हुआ, पैरा पोजीशन पे, तो ये कंबाइन होकर ये दोनों क्या कहलाएगा, ये दोनों आपका एक्स कहलाएगा, ठीक है। अब आते हैं वाई चेक करते हैं, वाई क्या बन रहा होगा, तो देखो वाई आपका क्या हुआ, क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, टॉलवीन लिया गया था, क्वेश्चन में आपने टॉलवीन लिया था, Cl2 लिया था, HNU लिया था, और जो प्रोडक्ट बन रहा था इसे हम वाई बोल रहे थे, इसे हम वाई बोल रहे थे। तो देखो वाई क्या होगा भाई, वाई क्या होगा, तो देखो फिर से क्या आ गया, HNU Cl2 फ्री रेडिकल पाथवे, फ्री रेडिकल पाथवे में क्या होता है, हाइड्रोजन हटेगा उसके जगह क्लोरीन आएगा, लास्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही था, देखो लास्ट क्वेश्चन भी आपका वही था ना, Br2 था, HNU था, Br2 HNU क्या हुआ, हाइड्रोजन हटा ब्रोमीन जुड़ा, देख रहे हो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हुआ और ब्रोमीन वहां पे ऐड हो गया, तो यहाँ पे भी क्या होगा, हाइड्रोजन, बताओ हाइड्रोजन यही पे है ना, कार्बन में हाइड्रोजन है, ठीक है, तो क्या होगा, कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और उसके जगह पे क्या आएगा, क्लोरीन जुड़ेगा, क्लोरीन जुड़ेगा, तो क्या होगा, ये सारे हाइड्रोजन आपके रिमूव हो जाएंगे और उसके जगह पे क्या आ जाएंगे, क्लोरीन आ जाएंगे, कितने क्लोरीन आ जाएंगे, 3 क्लोरीन। तो ये क्या है, ये आपका वाई है, ये क्या है, वाई है, और ये एक्स है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भैया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देखो ऑर्थो पारा क्लोरो, इसको इसका नाम क्या होगा, ये हो गया ऑर्थो और ये हो गया पैरा, आपको पता है ना, इसे ऑर्थो बोलते हैं, इसे ऑर्थो बोलते हैं, ये मेटा और लास्ट वाला पैरा, तो ये क्या है, ऑर्थो क्लोरोटॉलवीन, ये है आपका पैरा क्लोरोटॉलवीन, और वाई क्या है, वाई का नाम क्या हो जाएगा भाई, ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन, ट्राइक्लोरो देखो 3 क्लोरीन है ना, तो ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ये आपका 27 का आपका डी हो गया, 27 का क्या हुआ, डी हुआ, ठीक है, अरे बोलो, चलो भाई आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, फॉर द कंपाउंड, एक कंपाउंड दिया हुआ है CH3Cl, CH3Br, CH3I, CH3F, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग CX बॉन्ड लेंथ, कह रहा है
सीएस बॉन्ड लेंथ किसमें सबसे ज्यादा है? तो बताओ बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ के लिए क्या होना है? अगर मान लो आपको पता है ना कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, जब आप ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होगा, साइज ऑफ एटम इंक्रीज करता है, और अगर साइज ऑफ एटम इंक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, बॉन्ड लेंथ आपका, ये जब साइज ऑफ एटम ही इंक्रीज कर गया तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज कर जाएगा। तो क्या हुआ, सबसे ऊपर फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। सबसे साइज की बात करो तो कौन से एटम का साइज सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा साइज है आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। साइज क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया आपका, सबसे बड़ा हो गया आपका भैया आयोडीन, फिर तुम्हारा हुआ ब्रोमीन, फिर हुआ क्लोरीन, फिर हुआ फ्लोरीन। तो देख लो कौन सा ऑप्शन में सही है, कौन सा करेक्ट होगा आपका 28 का, इस हिसाब से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे बड़ा कौन है, साइज किसका बड़ा है, आयोडीन का। इसलिए बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, ठीक है, बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, आयोडीन वाले का। चलो क्वेश्चन नंबर 28 हो गया, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है क्लोरोफॉर्म को अगर ऑक्सीडाइज करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, अगर आप क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडाइज करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो क्या मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्लोरोफॉर्म क्या होता है। देखो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, तो क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, और इनको ऑक्सीडाइज करोगे इन एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो आपको क्या मिलेगा। आओ रिएक्शन देखते हैं, ये आपका क्लोरोफॉर्म हुआ CHCl, वही हुआ ना CHCl3 को हमने लिख दिया, ठीक है। और इसका जब आप ऑक्सीडेशन करोगे लाइट के प्रेजेंस में, ऑक्सीडेशन करोगे लाइट के प्रेजेंस में, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है सी, ये दोनों सीएल तो ऐसे ही रहेगा, बट ये एच और ये सीएल बाहर चला जाएगा और इसकी जगह पे ऑक्सीजन आ जाएगा, और साथ में क्या प्रोडक्ट बनेगा, और साथ में बनता है आपका HCl, और क्या बनता है HCl, ये हाइड्रोजन बाहर गया, ये क्लोरीन बाहर गया, ठीक है, और ये आपका O2 क्या किया, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। तो जो आपका ये प्रोडक्ट बनता है ना, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फॉसजीन। ये क्या हुआ आपका, फॉसजीन हुआ। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा आपका सी, क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडाइज करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो आपको क्या मिलता है, फॉसजीन मिलता है, साथ ही साथ HCl भी मिलता है। चलो क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ गिवन कंपाउंड इन E2 रिएक्शन। E2 में आपको बताना है रेट ऑफ रिएक्शन किसका फास्ट होगा। ओके हमें पता है कि देखो रिएक्शन जो होता है E2 में, अगर आप बात करोगे तो जो अगर गुड लिविंग ग्रुप है ना तो उसका रिएक्टिविटी क्या होता है, ज्यादा। अगर E2 की बात करोगे तो रेट ऑफ E2 क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसका रेट क्या होगा, लिविंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर गुड लिविंग ग्रुप है तो उसका रेट फास्ट हो जाएगा। बच्चों आपको पता होगा कि अगर लिविंग ग्रुप की बात करो, लिविंग ग्रुप की बात करो तो आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन एंड ये क्लोरीन, ये आपका लिविंग ग्रुप का ऑर्डर होता है। तो कौन सा लिविंग ग्रुप सबसे बेटर है, आयोडीन। तो रिएक्शन सबसे फास्ट किसमें होगा, आयोडीन वाले में, फिर किसमें होगा, ब्रोमीन वाले में, फिर क्लोरीन वाले में, फिर फ्लोरीन वाले में, ठीक है। एक्चुअली वही हो गया ऑर्डर, देखो आपको पता है ना साइज क्या होता है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपको पता है ना ऊपर से नीचे जा रहे हो, फ्लोरीन से आयोडीन जा रहे हो, क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, आयोडीन क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, तो रिएक्शन किसे फास्ट होगा, आयोडीन वाले में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, आंसर कौन सा होगा, 30 का आंसर होगा ए, सबसे ज्यादा आयोडीन, तब ब्रोमीन, तब क्लोरीन, तब फ्लोरीन, फ्लोरीन में सबसे स्लो होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 31
रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ऑप्शन देखो, तो ये ऑप्शन में क्या दे रखा है, सी एच थ्री सी एच टू एस माइनस, और क्या है, एक है सी एच थ्री सी एच टू ओ माइनस, और इसके बारे में पूछ रहा है बेस और न्यूक्लियोफाइल, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है कौन न्यूक्लियोफाइल है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और चेक करते हैं, देखो हमें पता है बच्चों, हम क्या जानते हैं, हमें पता है कि अगर एज वी नो क्या, अगर साइज जो होता है इंक्रीज करता है किसका, एटम का अगर साइज, अगर जैसे तुम पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है ना, तो अगर आपका साइज इंक्रीज करता है ना तो वो आपका क्या होता है, वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है। अगर साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, बेटर। और वही अगर मान लीजिए स्मॉलर साइज हो, एटम का साइज क्या हो स्मॉलर, तो क्या होता है, वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, वो क्या है, वो वीक न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी में जाएगा। न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या होना चाहिए, साइज आपका एटम का साइज बड़ा होना चाहिए। क्यों छोटा साइज से न्यूक्लियोफाइल क्यों वो बेटर नहीं हुआ, देखो एक्चुअली स्मॉल साइज होगा ना, तो स्मॉल साइज है तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाता है, अगर मान लो भाई साइज स्मॉल है तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा। देखो ना यहाँ पे क्या है, एक तुम्हारा सल्फर है एक तुम्हारा ऑक्सीजन है, सल्फर का साइज क्या होता है, सल्फर का साइज बड़ा, इसका ऑक्सीजन का साइज क्या होता है, ऑक्सीजन का साइज छोटा, अगर साइज इसका छोटा है और चार्ज दोनों पे तो माइनस वन है तो चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, इसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो गया ऑक्सीजन वाले का, और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है ना तो उसका क्या होता है, उसमें सॉल्वेशन ज्यादा होता है, सॉल्वेशन क्या होगा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो आपका क्या होगा भाई, सॉल्वेशन ज्यादा होगा, और सॉल्वेशन आपका ज्यादा होगा तो वो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, वो लेस न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करेगा, ठीक है। तो हम क्या देखे, हमने क्या देखा कि भैया साइज अगर एटम का साइज ज्यादा होता है तो न्यूक्लियोफाइल वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है, साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, बेटर होगा। तो अब देखो कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल, इस हिसाब से सल्फर का साइज बड़ा है इसलिए ये क्या हो गया, ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया, क्या हम क्या कह सकते हैं, ये मोर न्यूक्लियोफाइल हुआ एज कंपेयर टू इस। ओके, तो आओ देखो ऑप्शन चेक करते हैं एक बार क्या बोल रहा है, 31 में क्या बोल रहा है, CH3CH2S- is a strong base and more nucleophile. More nucleophile कह रहा है, ठीक है, अब base वाला भी हम चेक कर लेते हैं थोड़ी देर, ये कह रहा है less nucleophile, ये कह रहा है CH3CH2- जो है वो less nucleophile है, ये तो हो नहीं सकता, ये भी क्या कह रहा है, ये भी आपका बोला है less nucleophile है, CH3CH2S- ये भी less nucleophile है, नहीं ये भी नहीं, तो B और D तो होगा नहीं, A और C में से दोनों होगा, A और C में, ये भी बोल रहा है आपको क्या बोल रहा है, मोर न्यूक्लियोफाइल है, ये भी तुम्हारा बोल रहा है मोर न्यूक्लियोफाइल है। तो और चेक करते हैं बेस, बेस के बारे में देखते हैं कौन स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बेस के लिए क्या होना चाहिए, बेस के लिए आपको पता होना चाहिए कि देखिए जब बेसिसिटी चेक करते हैं ना, बेसिसिटी चेक करते हैं तो क्या होता है, बेसिसिटी के लिए क्या होता है कि देखो अगर अनायन का स्टेबिलिटी क्या होगा, अनायन का स्टेबिलिटी अगर ज्यादा होता है ना तो एसिडिटी की तरफ जाता है, तो बेसिसिटी के लिए क्या होना चाहिए, अनायन का स्टेबिलिटी लेस होना चाहिए, अगर अनायन आपका लेस स्टेबल है तो उसका बेसिसिटी ज्यादा होता है, ठीक है, अनायन का स्टेबिलिटी लेस होता है तो उसका बेसिसिटी क्या होता है बच्चों, ज्यादा। तो आओ देखो यहाँ पे कौन सा अनायन आपका लेस स्टेबल है, यहाँ पे जो तुम्हारा अनायन है वहां पे क्या है, सल्फर पे माइनस है, और यहाँ पे जो अनायन है वो क्या है, ऑक्सीजन में माइनस है,
और हमें पता है कि साइज अगर इंक्रीज करता है तो स्टेबिलिटी क्या होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। साइज इंक्रीज करता है तो स्टेबिलिटी क्या होता है, ज्यादा। तो ये क्या हो गया, एस माइनस तुम्हारा क्या हो गया, मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ओ माइनस के। ये मोर स्टेबल हो गया और ये आपका लेस स्टेबल हो गया। और हम क्या जान रहे हैं, हमें पता है अभी हमने क्या लिखा कि लेस स्टेबल होगा तो बेसिसिटी ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी क्या होना चाहिए, लेस। इट मीन कौन लेस स्टेबल, कौन है, ओ वाला आपका लेस स्टेबल है, इसलिए ओ वाला क्या हो गया, वो स्ट्रॉन्ग बेस, और सल्फर वाला क्या हो गया, वीक बेस। ठीक है, सल्फर वाला स्टेबिलिटी ज्यादा है इसलिए क्या हो गया, ये वीक बेस हो गया, क्या हो गया, वीक बेस हो गया। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा आपका, 31 का हो जाएगा सी। क्या लिख रहा है, वीक बेस। हाँ भाई, हमने देखा ना कि CH3CH2S- क्या है, एक वीक बेस है, और ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वीक बेस भी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। तो क्वेश्चन नंबर 31 हो गया आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इनर्ट टुवर्ड्स E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन के तरफ ये कौन सा इनर्ट होगा, आपको पता हो कि E2 के लिए क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन कंपल्सरी है। E2 रिएक्शन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन कंपल्सरी है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर सॉरी अल्फा नहीं, बीटा हाइड्रोजन ना, यस। देखो E2 रिएक्शन क्या होता है, E2 रिएक्शन क्या होता है बच्चों, CH2 और मान लीजिए ये CH2 है, ये Br है, और यहाँ पे भी CH2H है। E2 रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कोई बेस होगा वो अटैक करता है, ये अल्फा पोजीशन हुआ, ये बीटा पोजीशन हुआ, ये अल्फा ये बीटा, तो बेस आपका यहाँ पे अटैक करता है, ये हाइड्रोजन आप ऐसे गया और फिर ये ब्रोमीन आपका बाहर निकल जाता है, प्रोडक्ट क्या बनता है CH2 डबल बॉन्ड, ये आपका E2 रिएक्शन। मतलब जिससे हैलोजन जुड़ा होगा ना, उसके बगल वाले कार्बन पे जिसको हम बीटा कार्बन बोलते हैं, उस पे क्या होता है, उस पे हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो E2 नहीं होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा तो E2 नहीं होगा। किस पे हाइड्रोजन देखना है, जिस पे ब्रोमीन जुड़ा है उसके पड़ोसी, उसके बगल वाले बीटा पे कार्बन पे हाइड्रोजन कंपलसरी है। तो आओ देखते हैं, इनर्ट बोल रहा है, इनर्ट मतलब जहां पे E2 ना हो। तो बताओ ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन के बगल ये अल्फा, ये बीटा पे तो हाइड्रोजन है, होगा रिएक्शन। ये ब्रोमीन है और इसके अल्फा और ये रहा बीटा पे हाइड्रोजन है, ये भी करेगा रिएक्शन। यहां पे देख लो ये ब्रोमीन है, इसके बगल में जो कार्बन है इस पे क्या हाइड्रोजन है, ये तुम्हारा अल्फा और ये रहा आपका बीटा, तो बीटा पे हाइड्रोजन है, करेगा रिएक्शन। लेकिन लास्ट वाला जो तुम सी ऑप्शन देख रहे हो, इसमें क्या हो रहा है, इसका अगर तुम स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो देखो ये स्ट्रक्चर रहा CH2 Br और ये क्या क्या रहा CH3 और ये रहा CH3, ये रहा आपका अल्फा, ये रहा बीटा। क्या बीटा पे एक भी हाइड्रोजन है क्या, नहीं बीटा पे हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि बीटा पे हाइड्रोजन नहीं है तो क्या ये E2 रिएक्शन होगा, जहां पे E2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा, 32 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 32 का आंसर होगा सी। ठीक है, चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड फॉर SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन का रिएक्टिविटी आपको चेक करना है, SN1 रिएक्शन का रिएक्टिविटी चेक करना है। आपको पता होना चाहिए क्या कि SN1 रिएक्शन अगर हम बात करते हैं तो SN रिएक्शन क्या होता है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का सबसे ज्यादा होता है, पास होता है तब 2 डिग्री तब 1 डिग्री। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, इंटरमीडिएट क्या बनता है, SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है आपका कार्बोकैटायन। अगर कार्बोकैटायन स्टेबल ज्यादा है तो SN1 रिएक्शन फास्ट होगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो SN1 रिएक्शन
पास्ट होता है, ठीक है। तो आप चेक करते हैं, ये जो क्लोरीन है ये किस किस कार्बन पे जुड़ा हुआ, ये आपका 2 डिग्री हुआ। ये जो क्लोरीन है ये जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ ये क्या है, ये आपका 1 डिग्री कार्बन है। और यहां पे जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, देखो इसको अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए क्वेश्चन नंबर 3 का, तो क्या कह रहा है, पैरा पे CH3CO, पैरा पे कौन सा है, CH3CO। चलो एक बेंजीन है, देखो C6H4, तो ये बेंजीन रहा, पैरा पोजीशन पे OCH3 है, पैरा पोजीशन पे OCH3 है, और क्या है CH2Cl। अब देखो अगर ये SN1 रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ये तुम्हारा बॉन्ड बाहर निकलेगा और आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा ये क्लोरीन आपका अगर रिमूव होगा तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा OCH3, तो ऐसे ही है इंटरमीडिएट आपका CH2 और यहां पे आ जाएगा प्लस। अब तुम देख रहे हो ये प्लस क्या है, ये प्लस आपका रेजोनेंस कर सकता है ना, ये इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखो ये प्लस तो आपका रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल है, तो सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल होगा, ये CH2+। अगर ये इंटरमीडिएट स्टेबल हो रहा है तो क्या होगा, इसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, इसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी सबसे फास्ट किसका होगा, 3 का, फिर किसका होगा, ये 2 डिग्री है ना, ये 1 डिग्री। अभी हमने देखा ना कि भैया 1 डिग्री और 2 डिग्री में किसका रिएक्शन फास्ट होता है, 2 डिग्री वाला, यानी कि ऑप्शन 3 के बाद में 1 आएगा, फिर तुम्हारा 2 आएगा, 2 का रिएक्टिविटी सबसे स्लो होगा किसमें, SN1 रिएक्शन। तो 33 का क्या हो जाएगा, 33 का आपका डी हो जाएगा, 3 का सबसे ज्यादा, एक ही ऑप्शन में 3 का सबसे ज्यादा अधिक होगा। तुम चाहो तो अगर केवल ये पता चल गया ना 3 का ज्यादा है तभी फिर तो आप आंसर टिक कर सकते थे, क्योंकि एक ही ऑप्शन में 3 को सबसे ज्यादा किया गया। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 कह रहा है, इन SN2 रिएक्शन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। SN2 रिएक्शन में रिएक्टिविटी सबसे फास्ट किसमें होगा, तो हमें पता है क्या SN2 रिएक्शन में क्या होता है, अगर रिएक्टिविटी चेक करोगे तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का सबसे फास्ट होता है, तब 2 डिग्री का, तब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसमें होगा, 1 डिग्री, तब 2 डिग्री, तब 3 डिग्री। और चेक करते हैं, ये तुम्हारा देखो ये 3 डिग्री है, हाँ 3 डिग्री है, ये कौन सा है, ये आपका ये कौन सा जुड़ा हुआ है ना, ये तुम्हारा 2 डिग्री कार्बन वाला, ये आपका 1 डिग्री है, और ये तो तुम्हारा सबसे छोटा सा CH3Cl। हमने पढ़ा था ना मिथाइल क्लोराइड वाला क्या होता है, SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 34 का बी, ठीक है। ये 2 डिग्री वाला, ये 1 डिग्री वाला था, ये आपका 2 डिग्री वाला था, ये 3 डिग्री वाला था। हमने देखा ना 3 डिग्री का क्या होता है, एक्टिविटी सबसे स्लो होता है, ठीक है। 34 हो गया, फिर आते हैं 35 कह रहा है दैट सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट। अल्काइल फ्लोराइड किसमें मिलता है, तो ये तो नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन में आपको पता होगा अल्काइल फ्लोराइड के लिए कौन सा नेम रिएक्शन था, अल्काइल फ्लोराइड के लिए स्वार्ट रिएक्शन था, क्या होता है, स्वार्ट रिएक्शन, ठीक है। तो ये नेम रिएक्शन है, ये बाकी नेम रिएक्शन को भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया तो रिवाइज भी कर लेते हैं। ये स्वार्ट रिएक्शन क्या होता है, देखो स्वार्ट रिएक्शन क्या होता है, ये आपका होता है अल्काइल फ्लोराइड बनाने का एक तरीका है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड का ये मेथड है, ठीक है। और इस रिएक्शन में क्या होता है, आपको लेना है अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड, आप अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड लोगे और उसका रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक फ्लोराइड, ठीक है। तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलेगा, आपको अल्काइल क्लोराइड मिलता है। और इसको हमने याद, हम चाहे तो एक ट्रिक से याद भी कर सकते हैं, देखो स्वार्ट रिएक्शन में क्या मिलता है, क्लोरीन, तो ये आप चाहो तो याद कर सकते हो, एस से स्वार्ट, एफ से क्लोरीन, सेमीफाइनल करके आप याद कर सकते हो, सेमीफाइनल गेम्स में, क्रिकेट मैच में नहीं होता सेमीफाइनल, तो एस से क्या हो गया, एस से हो गया स्वार्ट रिएक्शन, एफ से हो गया
फ्लोरीन। तो फ्लोरीन बनाने का बेस्ट मेथड होता है वो होता है आपका स्वार्ट रिएक्शन। फिंकल स्टीन में क्या क्या बनता है, फिंकल स्टीन रिएक्शन में आपको एल्काइल आयोडाइड बनेगा, एल्काइल आयोडाइड। एल्काइल आयोडाइड मतलब RI की प्रिपरेशन होती है। इसको आप चाहो तो ध्यान रख सकते हो कैसे, फिंकल स्टीन के स्पेलिंग में देखो F के बाद में क्या आ रहा है, F के बाद में आ रहा है I, I फॉर आयोडीन। ठीक है, तो फिंकल स्टीन में प्रोडक्ट क्या बनता है, RI बनता है। और कौन सा था ऑप्शन में, और क्या था, सैंडमेयर था। तो सैंडमेयर को तो एकदम ये आपका सैंडमेयर रिएक्शन हुआ। ठीक है, इसमें क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लो। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं तो क्या होता है, ये तुम्हारा एराइल हैलाइड बन जाता है। तो ये आपका और कौन सा, तो यहाँ पे तो हमें अल्काइल फ्लोराइड पूछा था ना, तो अल्काइल फ्लोराइड तो वहां बन नहीं रहा है। अल्काइल फ्लोराइड के लिए कौन सा रिएक्शन होगा, स्वार्ट रिएक्शन। और एक और ऑप्शन कौन सा था, फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन। फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप फ्लोरीन जो होता है ना, फ्लोरीन का रिएक्टिविटी क्या होता है, फ्लोरीन का रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है। फ्लोरीन का रिएक्टिविटी बच्चों बहुत ज्यादा होता है, तो अगर आप फ्री रेडिकल पाथवे करोगे ना, तो वो आपका बेस्ट मेथड नहीं होगा क्या बनाने का, अल्काइल फ्लोराइड यानी कि RF बनाने का बेस्ट मेथड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। तो फ्री रेडिकल पाथवे से हम फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते। फिंकल स्टीन में क्या बनता है, फिंकल स्टीन में तो आपका RI बनता है, सैंडमियर में RF बनता है, और स्वार्ट सॉरी सैंडमियर नहीं हो, स्वार्ट में RF बनता है, स्वार्ट रिएक्शन में RF बनता है, और सैंडमियर तो एकदम अलग रिएक्शन है। सैंडमियर में तो एराइल हैलाइड बन जाता है, अल्काइल हैलाइड आपसे क्या पूछा जा रहा है, अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड नहीं। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है आइडेंटिफाई द सेट ऑफ रीजेंट रिएक्शन कंडीशन एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है और आपको एक्स और वाई का, एक्स क्या है वाई क्या है आपको फाइंड करना है। चलो इधर देखो क्या दिया हुआ है, CH3 CH2 CH3 नंबर कौन सा 36 में क्या दिया हुआ था भाई, CH3 CH2 और क्या है CH2Br, ठीक है CH2Br दिया हुआ। अब यहां पे अगर आप क्या करोगे, x पुट करोगे फिर y पुट करोगे, मतलब x रखोगे, एक प्रोडक्ट y बना, फिर एक प्रोडक्ट बनेगा, फिर y आप कंडीशन डालोगे, तो आपका यहाँ पे ये जो ब्रोमीन वन पोजीशन पे था, ये ब्रोमीन टू पे चला गया। तो वन पोजीशन का ब्रोमीन अगर आपको टू पे ले जाना है ना, तो क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं हम, एक काम कर सकते हैं ना, इसका E2 करा दो ठीक है, इलिमिनेशन एक्शन करा दो। तो इलिमिनेशन एक्शन अगर आप इसका कराओगे तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगर आप इसका इलिमिनेशन रिएक्शन कराओगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, आप देखो ये बहुत इजी हो गया, HBr डाल दो, मार्कनिकोव प्रोडक्ट बनेगा। HBr डालोगे तो मार्कनिकोव प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका क्या बना, CH3 CH CH3 ब्रोमीन। और यही तो आपको चाहिए था, यही तो चाहिए था। तो X क्या हो गया, X अगर देखो E2 कराना है तो आपको क्या कर सकते हो, अल्कोहलिक KOH ले लो और HBr ले लो, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। आओ देखते हैं अल्कोहलिक KOH और HBr कहां पे दिया हुआ है। पहला में तो दिया हुआ डाइल्यूट एक्वस NaOH, नहीं एक्वस NaOH तो इलिमिनेशन नहीं कराता है, ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा। एक्वस वाला तो सब्स्टिट्यूशन करा देगा, इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा देगा, SN1 करा देगा, तो नहीं ये नहीं चलेगा। यहां भी एक्वस NaOH नहीं, एक्वस तो नहीं चाहिए, तो ये एक्वस की वजह से ये दोनों रॉन्ग। ऑप्शन नंबर अगर आप डी की बात करोगे तो चलो अल्कोहलिक KOH या NaOH कुछ भी ले सकते हो, तो ये तो सही है, लेकिन साथ में क्या दे दिया, Br2 अगर आप लोगे तो क्या होगा, दो ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। क्या प्रोडक्ट में दो ब्रोमीन है क्या, नहीं दो ब्रोमीन है, एक ही ब्रोमीन है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसमें क्या होगा, देखो अल्कोहलिक KOH यानी कि इलिमिनेशन रिएक्शन कराएगा,
एल्कोहलिक KOH ले लो, NaOH ले लो, और एक्स वाई की जगह पे एच बी आए, वाई की जगह पे एच बी आए, वाई की जगह पे आप क्या ले सकते हो, एच बी आर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 भी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37। कह रहा है हाउ मेनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव आर पॉसिबल व्हेन 3-methyl heptane व्हेन 3-methyl heptane इज सब्जेक्टेड टू फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन। फिर से आ गया वही फर्स्ट क्वेश्चन जो था ना एच न्यू वाला वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, क्या कह रहा है, हाउ मेनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव आर पॉसिबल व्हेन 3-methyl heptane। सबसे पहले तो 3-methyl heptane का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, 3-methyl heptane। दो चार, हेप्टेन में कितने कार्बन होते हैं, सर 7 होते हैं। ये आपका हेप्टेन रहा, और 3 पे क्या कर रहा है, 3 पे बोल रहा है मिथाइल है। हेप्टेन हुआ ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 कार्बन हो गए, और 3 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो 3-methyl heptane हो गया। अब ये कितना मोनोक्लोरो डेरिवेटिव प्रोडक्ट देगा, जब इस मोनोक्लोरो डेरिवेटिव प्रोडक्ट मतलब इसका रिएक्शन आपको क्या कराना है, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNU, तो कितना आपको मोनोक्लोरो डेरिवेटिव प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कितने टाइप्स के आपके डिफरेंट हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे सारे हाइड्रोजन एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, या हाइड्रोजन अपने पड़ोसी वाले हाइड्रोजन से एकदम अलग है, मतलब कहीं भी सिमेट्री आपको नहीं दिख रहा ना, यहाँ पर कोई सिमेट्री नहीं है, कोई भी सिमेट्री नहीं है। 3 वाला हाइड्रोजन 2 वाले से डिफरेंट है, 4 वाला 3 से, 5, 6, 7, मतलब सारे हाइड्रोजन, इसको 8 बोल देते हैं, सारे हाइड्रोजन एक दूसरे से डिफरेंट है। तो सारे हाइड्रोजन एक दूसरे से डिफरेंट है तो कितने टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, 8 टाइप्स के। कितने टाइप्स के मोनोक्लोरो डेरिवेटिव प्रोडक्ट मिलेंगे, 8। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, 37 का होगा आंसर सी। ठीक है, 37 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 कहता है इन द गिवन रिएक्शन फॉलोइंग प्रोडक्ट आर एक्सपेक्टेड। एक रिएक्शन है और यहाँ पे ये कुछ प्रोडक्ट दे रखा हुआ है, इसको ऐसे क्वेश्चन को ना हम ऑप्शन के थ्रू चलेंगे, देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है, ये इनकरेक्ट पूछ रहा है। ऑप्शन 1 कह रहा है One is the major product obtained by E1. मतलब जो ये वन है ना E1, अगर रिएक्शन E1 होगा तो वन आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। चलो आओ देखते हैं इस रिएक्टेंट के साथ E1 करा के क्या होगा। देखो रिएक्टेंट क्या था, रिएक्टेंट आपका ये रहा CH2 E1। E1 में क्या होता है, E1 में पहले ब्रोमीन आपका रिमूव हो जाएगा और क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे CH2, और ये रहा आपका प्लस बन गया। रिंग के बगल में अगर पॉजिटिव चार्ज है और रिंग अगर 4 मेंबर का होता है तो क्या होता है आपका रिंग एक्सपेंशन होता है, यानी कि ये बॉन्ड टूटेगा और ऐसे जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा और क्या जुड़ेगा यहाँ पे, ये रिंग आपका इंक्रीज कर गया, 5 मेंबर का हो गया ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस आ गया। अगर मान लीजिए इसको हम 1 बोल रहे हैं, इसको 2 बोल रहे हैं, ठीक है, तो जो तुम्हारा क्या हो रहा है, 2 तो CH2 के साथ ऐड हो गया, 2 तो CH2 के साथ ऐड हो गया, लेकिन 1 को एक बॉन्ड का नुकसान हो गया, 1 को एक बॉन्ड का नुकसान हो गया, तो 1 पे क्या आ गया प्लस आ गया, 2 तो 2 को कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 नहीं है ना, ये आपका 2 था और ये आपका क्या था, अगर मान लेते हैं इसको A मान लेते हैं, तो ये आपका बीच में A हो गया। देखो क्या हुआ, 1 और 2 वाला बॉन्ड टूटा, 1 और 2 वाला बॉन्ड टूटा और 2 ए के साथ जाके ऐड हो गया, देख रहे हो 2 ए वाले के साथ जाके जुड़ गया। ठीक है, तो ये रहा आपका, अब ये क्या बना हुआ है, कार्बोकैटायन, ये आपका क्या बना हुआ है, कार्बोकैटायन, और आप क्या कर रहे हो, इलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे हो, तो यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा ना साइड में जो हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और क्या आ जाएगा वहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, साइड वाला जो हाइड्रोजन है जो आपका यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसके मतलब पॉजिटिव चार्ज के ठीक बगल वाला जो हाइड्रोजन है, मान लीजिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन आपका इलिमिनेशन हो जाएगा, इलिमिनेशन होगा तो क्या होगा,
ये बॉन्ड यहाँ पे आके ओपन हो जाता है ना, इलिमिनेशन ऐसे होता है, आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये रहा। तो यही तो कह रहा है क्वेश्चन में, देखो वन इज द मेजर प्रोडक्ट ऑप्टेन बाय ई वन। हाँ, ई वन करोगे तो वन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, बिल्कुल सही। अब आते हैं ऑप्शन बी, कह रहा फोर इज द मेजर प्रोडक्ट ऑप्टेन बाय एस एन वन। एस एन वन करोगे तो फोर मेजर प्रोडक्ट बनेगा। देखो एस एन वन तो बहुत ईजी हो गया, एस एन वन, एस एन वन आओ इधर करते हैं। ये रहा सी एच टू बी आर, एस एन वन में भी वही होगा, फर्स्ट स्टेप तो कॉमन ही होता है, ये ब्रोमीन आपका बाहर गया, ब्रोमीन बाहर गया, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे सी एच टू और ये रहा प्लस। अब ब्रोमीन आपका क्या होगा, बाहर रिमूव हुआ, तो ये बॉन्ड क्या होगा, फिर से वही हो गया कि रिंग के ठीक बगल में क्या है, कार्बन है और इसपे पॉजिटिव चार्ज है, और रिंग कितने मेंबर का है, चार मेंबर का, तो ये बॉन्ड आपका टूटेगा और ऐसे जाके ये जुड़ गया। अगर मैं इसको नंबरिंग दू 1 2 3 4 और इसको बोलू 5, तो ये जब एड होगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये 5 मेंबर का रिंग हो जाएगा, ये आपका 5 मेंबर का रिंग हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 और 1 और 4 का बॉन्ड क्या हो गया, वन टू थ्री, ये रहा 3 के बाद में 4 और 4 के बाद में क्या आ गया, ये आ गया आपका 5 आ गया। देखो 1 और 4 का बॉन्ड टूट गया और उसके बीच में क्या आ गया, बाहर वाला जो आउटसाइड वाला जो 5 था ना वो रिंग में आ गया, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे क्या हो गया, 1 को एक बॉन्ड का नुकसान हो गया ना, एक 1 और 4 के बीच में जो बॉन्ड था वो लॉस हो गया, तो इसलिए 1 पे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, 1 पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और आपने क्या रखा है, रिएक्टेंट में और क्या रखा था, सी एच थ्री ओ एच, क्या रखा है, सी एच थ्री ओ एच आपका रिएक्टेंट में सी एच थ्री ओ एच, तो ये ओ एच का क्या हो गया, ऑक्सीजन का लोन पेयर, ये जाके ये प्लस पे ऐड हो जाएगा और आपका क्या कंपाउंड बना जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये जहां प्लस था वहां पे क्या बन गया, ओ सी एच थ्री, क्या बन गया, ओ सी एच थ्री। तो क्या ये कह रहा है, फोर इज द मेजर प्रोडक्ट वेन एस एन वन, एस एन वन कराओगे तो फोर मेजर प्रोडक्ट बनेगा, देखो फोर मेजर प्रोडक्ट बना ना, हाँ ओ सी एच थ्री, बिल्कुल सही, ये भी आपका करेक्ट है, तो ये भी करेक्ट हो गया, ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। अब आते हैं ऑप्शन सी, कह रहा है प्रोडक्ट थ्री इज फॉर्म्ड बाई एस एन टू। एस एन टू में तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, एस एन टू तो सिंपली हो जाएगा आपका, क्या हो गया, ये आपका रिंग था, यहाँ पे सी एच टू बी आर, ठीक है, और आप क्या करा रहे हो, एस एन टू करा रहे हो, एस एन टू में क्या होगा, ओ एच सी एच थ्री, एस एन टू में क्या होगा, एस एन टू सिंपल होगा, ये ऑक्सीजन आपका ऑक्सीजन का लोन पे जाके यहाँ पे अटैक करेगा और ये ब्रोमीन बाहर होगा और प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट आपका बनेगा सी एच टू और क्या बना, ओ सी एच थ्री। तो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट थ्री इज द मेजर प्रोडक्ट, हाँ देखो प्रोडक्ट थ्री मेजर प्रोडक्ट बन गया, तो ये भी सही है, ये आपका इनकरेक्ट पूछ रहा था। और आते हैं ऑप्शन डी, कह रहा है इन सोल्वोलाइसिस रिएक्शन एक कार्बन एन इंटरमीडिएट, नहीं सोल्वोलाइसिस में कार्बन एन इंटरमीडिएट ही बनता है, क्या बनता है, कार्बो कटायन बनता है, देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज बनता है ना, पॉजिटिव चार्ज बनता है, अभी भी जब भी हम इंटरमीडिएट बनाते हैं क्या बना रहे थे, कार्बो कटायन, कार्बन एन नहीं बनता है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है और इनकरेक्ट ही पूछ रहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 38 कैंसिल हो जाएगा आपका डी, 38 कैंसिल हो गया आपका डी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 विच ऑफ द फॉलोइंग शोज SN1 रिएक्शन मोस्ट फास्टली, मतलब SN रिएक्शन SN1 रिएक्शन फास्टली किसमें होगा, हमें पता है SN1 रिएक्शन अभी जस्ट हमने बात किया था 3 डिग्री में सबसे ज्यादा, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री, SN1 रिएक्शन सबसे फास्टली होता है 3 डिग्री में, तो देखो ये कौन सा है, ये तो 1 डिग्री वाला है, ये आपका ये 2 डिग्री वाला था, ये आपका 3 डिग्री वाला है, और ये तो विनाइलिक पोजीशन है, ये तो इसमें तो होगा ही नहीं, इसमें तो एसएन वन होगा ही नहीं, देख रहे हो डबल बॉन्ड वाले पे आ गया ना, उन्हें पढ़ा था ना डबल बॉन्ड वाले पे, यदि डबल बॉन्ड वाले पे कार्बन पे यदि हैलोजन रहता है तो ये एसएन वन रिएक्शन या एसएन टू रिएक्शन नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, क्योंकि देखो ये लोन पेयर डबल बॉन्ड पे लोन पेयर है, ये रेजोनेंस करेगा जिसके वजह से क्या आएगा, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा जिसमें क्या होगा आपका, देखो डबल बॉन्ड आ गया ना,
वाई प्लस आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे माइनस आ गया और यहाँ पे प्लस आ गया। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो तो क्या देख रहे हो, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो जब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो ये तो बॉन्ड इजिली टूटेगा नहीं, बॉन्ड इजिली टूटेगा नहीं, तो ना तो यहाँ पे SN1 आपको मिलेगा ना ही SN2 मिलेगा। तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सा हुआ, 39 का हो जाएगा आपका आंसर, 39 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है इन अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो कंप्लीट इन्वर्जन। इन्वर्जन प्रोडक्ट के लिए क्या होना चाहिए हमें बताएं, इन्वर्जन प्रोडक्ट के लिए SN2 रिएक्शन होना चाहिए, SN1 नहीं। SN1 में तो आपका रिटेंशन भी हो जाता है, पता है ना दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है इन्वर्जन एक होता है रिटेंशन। तो SN2 आपका होगा तो इन्वर्जन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और SN2 रिएक्शन क्या होता है, SN2 रिएक्शन होता है जैसे मान लीजिए आपका क्या है RX है और यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका एक स्टेप का रिएक्शन होता है, यहाँ पे अटैक होगा और ये X बाहर निकल जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनता है RM, ये SN2 रिएक्शन, ठीक है, सिंगल स्टेप में होता है। अब देखो भाई ये C6H5Br, ये तो आपका अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो कुछ क्या हो गया, देखो ये C6H5Br, मैं केवल इतना ही का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, देखो Br भाई देखो यहाँ पे जो है ये डबल बॉन्ड वाले पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, और हमने पढ़ा था ना अभी डबल बॉन्ड वाले पे अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ना तो SN1 ना तो SN2, तो ये रिएक्शन तो होगा ही नहीं, डबल बॉन्ड पे जुड़ गया इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पे भी सेम केस है, देखो C6H5Br फिर से वही बात हो गया, यही स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा तो ये रिएक्शन भी SN1 SN2 नहीं करेगा। हाँ ये देखो ये जो तुम्हारा CH2 जुड़ा हुआ है ये क्या है 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, और आपको पता होना चाहिए SN2 रिएक्शन के लिए SN2 रिएक्शन किसमें फास्ट होता है, SN2 रिएक्शन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में फास्ट होगा, तब 2 डिग्री तब 3 डिग्री, मतलब सबसे फास्ट रिएक्शन SN2 किस में होता है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में। यदि आपका अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री वाला है तो SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट SN2 रिएक्शन 1 डिग्री वाला हो गया। ये देखो ये तो तुम्हारा 2 डिग्री वाला है ना ब्रोमीन, देखो इसका स्ट्रक्चर तुम ड्रॉ करोगे तो क्या हो गया, ये तुम्हारा C6H5 हो गया, ये CH, ये CH3 और ये ब्रोमीन, तो ये तो 2 डिग्री हो गया, 2 डिग्री में तो SN1 रिएक्शन, 2 डिग्री में तो SN1 रिएक्शन भी होता है ना, SN2 का क्या होता है SN1 SN2 दोनों होगा, SN2 यहाँ पे उतना फास्ट नहीं होगा, और हमें क्या चाहिए रिटेंशन इन्वर्जन प्रोडक्ट के लिए क्या चाहिए था, हमें SN2 चाहिए था, तो ये 2 डिग्री वाला था ये 1 डिग्री वाला था, इसलिए SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट किस में होगा, सबसे अच्छे से किस में होगा ऑप्शन बी, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्जन प्रोडक्ट के लिए आपको SN2 चाहिए, SN1 नहीं, यहाँ पे SN1 और SN2 दोनों हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी में SN1 SN2 दोनों हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंपाउंड गिवन बिलो, इसको पहले तो ये बहुत अच्छे से फिगर क्लियर नहीं है, इसको मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखो ये क्या है, यहाँ पे एक CH3 है और क्या है ये आपका डैश पे हाइड्रोजन है और वेज पोजीशन पे क्या है क्लोरीन है, ये आपका क्या है डैश पे हाइड्रोजन है, वेज पोजीशन पे क्या है क्लोरीन है, और ये तुम्हारा मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। अब इसका ऐसे नहीं पता चलेगा कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, ऐसे नहीं पता चलेगा, आपको इसका फीचर प्रोजेक्शन ड्रॉ करना होगा। फीचर बनाने के लिए क्या करते हैं, फीचर प्रोजेक्शन के लिए क्या करते हैं, देखो ये अभी स्टैगर्ड फॉर्म में है, इसको हमें इक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो जब आप इसको इक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये ऊपर वाला तो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला तो जैसा था वैसे ही रहने दो, ये तुम्हारा क्लोरीन रहा, ये डैश पे हाइड्रोजन है, ये तुम्हारा CH3 है,
नीचे वाले को आप इन्वर्ट कर देना, मतलब ये क्लोरीन को उस साइड ले जाना, हाइड्रोजन को भी पलट देना। तो हाइड्रोजन ऐसे तुम अगर हाइड्रोजन को रोटेट करोगे तो ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा आपका क्लोरीन और ये रहा CH3। हमने क्या किया, सभी को रोटेट कर दिया। देखो ये CH3 को ऐसे ले आया, ठीक है, ये हाइड्रोजन को तुम उठा के ऐसे लेके आगे, और सिमिलरली क्लोरीन को भी रोटेट करो। ज्यादा प्रॉब्लम हो तो क्या करना, देखो CH3 को तो तुमको इस साइड लेके आना है ताकि सेम साइड में हो जाए ना, सेम साइड में दोनों रहता है ना, तो उसे एक लिफ्ट फॉर्म करते हैं। देख रहे हो ये क्या बन रहा है, ये एक वाई की तरह बन रहा है, और ये भी तुम्हारा इधर वाला भी देखो एक वाई की तरह बन गया, मतलब पूरी तरह से ये एक दूसरे को ढक लिए, ये वाला ऊपर वाला और ये नीचे वाला एक दूसरे को क्या हुआ, पूरी तरह से ढक लिया, यानी कि इक्लिप्स फॉर्म बन गया। तो इक्लिप्स फॉर्म अगर आपको ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, देखो CH3 से अगर एंटी क्लॉकवाइज आते हो तो आपको Cl मिलता है, CH3 से एंटी क्लॉकवाइज आते हो तो Cl मिलता है। देखो CH3 से एंटी क्लॉकवाइज देखो आते हैं तो क्लोरीन मिल रहा है ना, डायरेक्ट क्लोरीन मिल रहा है, और उसके बाद हाइड्रोजन मिल रहा है, देखो उसके बाद हाइड्रोजन। तो ये जब इक्लिप्स फॉर्म तुम ड्रॉ कर लोगे इसे, ये देखो ये तुम्हारा लेफ्ट साइड में है ना, ये वाला पार्ट आपका क्या है, लेफ्ट साइड में है, ये वाला पार्ट आपका राइट साइड में। तो इसका जब फीचर ड्रॉ करते हैं तो फीचर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे कैसे, एक लाइन खींचेंगे, ये रहा लेफ्ट साइड वाले को हम नीचे लिखते हैं, याद रखना राइट साइड वाले को ऊपर लिखा जाता है। और ये जो तुम्हारा CH3 था, ये दोनों CH3 तो यहीं पे होगा, ये रहा CH3 को आप लिख दोगे। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला ये क्या है, क्लोरीन लेफ्ट में है, हाइड्रोजन राइट में, तो क्लोरीन ये ऊपर वाला मैं लिख रहा हूँ, क्लोरीन इधर लिखो, तो आ गया यार, ये तुम्हारा लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, यस। तो क्लोरीन कहाँ जाएगा, लेफ्ट वाला नीचे रखते हैं, तो क्लोरीन आपका चला गया किस साइड गया भैया, ये रहा क्लोरीन, और हाइड्रोजन राइट में, तो हाइड्रोजन ये रहा, ठीक है। अब आते हैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इसको हम पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, देखो हाइड्रोजन राइट में है, क्लोरीन लेफ्ट में है, तो हाइड्रोजन ये राइट में रहा, क्लोरीन आपका लेफ्ट में रहा, ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो क्या ये मिरर इमेज बन रहा है क्या, देखो तो इसको कट करोगे तो नहीं, ये मिरर इमेज नहीं है, मिरर इमेज अगर नहीं है, देखो ये क्या बराबर कट रहा है क्या, देखो जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो कुछ ऐसा ही है ना, एच सी एल सी एल एच, ये CH3, ये CH3, ये क्या मिरर इमेज है क्या, नहीं मिरर इमेज ये नहीं है, एक दूसरे को नहीं काट सकते, सिमेट्री नहीं है क्या, ये सिमेट्री है क्या, नहीं सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री नहीं है तो क्या होगा, ये एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, अगर सिमेट्री रहता तो इनएक्टिव होता, सिमेट्रिक मतलब समझे, अगर मान लो ऐसा फिगर रहता ना, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा फिगर रहता, ये CH3 है, ये CH3 है, इधर H, इधर H, इधर Cl, इधर Cl, देखो ये पूरी तरह से सिमेट्री है, देख रहे हो आप में कट जाएगा ना, ये क्लोरीन क्लोरीन एक दूसरे को ढक लेगा, तो ये सिमेट्री हो गया, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये वाला पार्ट इनएक्टिव होगा, ऊपर वाला एक्टिव होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो 41 का क्या होगा, 41 का आंसर होगा आपका ए, 41 का क्या हो जाएगा आंसर ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पे, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कह रहा है द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑफ द कंपाउंड, ये कंपाउंड दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है स्टीरियो आइसोमर बताओ। सबसे पहले इस ये जो कंपाउंड दिया है इसका स्ट्रक्चर अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है CH3 CH, फिर क्या है CH, ठीक है, फिर क्या है COH, सेकंड पोजीशन पे क्या है ब्रोमीन है, और यहाँ पे भी थर्ड पे भी क्या है, ये देखो यहाँ भी ब्रोमीन है, क्या यहाँ पे कोई सिमेट्री है क्या, नहीं यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री नहीं है तो क्या हो गया, ये क्या है, और ये दोनों कार्बन एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे कोई क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, नहीं कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, तो दोनों कायरल कार्बन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, ये दोनों कायरल कार्बन डिफरेंट है। अब जब दोनों कायरल कार्बन, अगर कायरल कार्बन डिफरेंट होते हैं
तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टू की पावर एन, नंबर ऑफ जी आई का फॉर्मूला होता है टू की पावर एन, एन की संख्या क्या है, ये पहला, ये एक, एक एक दो, कितने हो गए, कितने कितने कायरल कार्बन है आपके, दो है, तो टू की पावर टू इट मीन्स फोर, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा फोर, आंसर क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा, ठीक है। 42 का हो गया आपका डी। अब आते हैं 43 पे, 43 क्या कहता है, 43 क्वेश्चन कह रहा है कि अल्कोहलिक कोएच लेना है, एनबीएस लेना है, अल्कोहलिक केसीएन भी लेना है, चलो और देखते हैं, रिएक्शन रिएक्टेंट क्या है, C3H7I, यानी कि ये आपका रिएक्टेंट है CH3CH2CH2I, ये आपका रिएक्टेंट रहा, इसमें आपने क्या पुट किया, अल्कोहलिक कोएच, क्या पुट किया है, अल्कोहलिक कोएच, अल्कोहलिक कोएच क्या करता है, ये आपका इलिमिनेशन रिएक्शन कराएगा, ये आपका इलिमिनेशन रिएक्शन कराएगा, ध्यान रखना, अल्कोहलिक कोएच E2 कराएगा और एक्वस कोएच क्या कराता है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराता है, ये क्या करा देगा, आपका एशियन वन करा देगा, ठीक है। तो अल्कोहलिक कोएच है, E2 होगा तो क्या होगा, ये तुम्हारा आई आपका बाहर निकलेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3CH2, तो क्या हो गया, ये तुम्हारा बना CH डबल बॉन्ड CH, तो ये क्या हुआ, इसे बोलेंगे हम X, ये आपका X1। फिर आपको NBS लेना है, NBS क्या करता है, NBS जो होता है एलाइलिक पोजीशन पे हैलाइड जोड़ देता है, मतलब जब इसमें आप NBS HNU डालोगे तो एलाइलिक पोजीशन पे क्या आ जाएगा, एलाइलिक पोजीशन पे क्या आ जाएगा, NBS HNU डालोगे तो एलाइलिक पोजीशन, इसे हम एलाइलिक बोलते हैं, ये वाला जो पोजीशन है ना इसे एलाइलिक बोलते हैं, तो इस पे क्या आ जाएगा, NBS डाले हो ना, तो यहाँ पे एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन आता है, एलाइलिक पोजीशन पे क्या आएगा, ब्रोमीन, तो आपका क्या बना यहाँ पे CH2CH डबल बॉन्ड CH2, एलाइलिक पोजीशन ये रहा, इस पे आ गया ब्रोमीन, और लास्ट सिस्टम में क्या करना है, KCN, अब बताओ KCN डालोगे तो क्या होगा, ये ब्रोमीन आपका साइड बाहर चला जाएगा और क्या आ जाएगा, CN जुड़ जाएगा, ब्रोमीन हटेगा CN ऐड होगा, तो देखो डबल बॉन्ड भी चाहिए, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे क्या होना चाहिए, CN होना चाहिए, डबल बॉन्ड, देखो क्या ऑप्शन हो सकता है, यार ऑप्शन ए में तो डबल बॉन्ड ही नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया, ऑप्शन टू, डबल बॉन्ड वाले ही कार्बन में BR है, नहीं ये तो हो नहीं सकता, डबल बॉन्ड वाले कार्बन में BR नहीं होना चाहिए, ऑप्शन ये देखो BR भी है और CN भी है, नहीं दोनों, ब्रोमीन हटेगा तब CN ऐड होगा, ब्रोमीन हटेगा तब CN ऐड होगा, ऐसे दोनों साथ में नहीं हो सकता, यहाँ पे देखो हाँ डबल बॉन्ड है, उसके बगल वाले कार्बन में CN है, बिल्कुल सही, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा, 43 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा फोर्टी फोर क्या कह रहा है, द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज मैक्सिमम, किसमें SN2 रिएक्शन मैक्सिमम होगा, व्हेन द सॉल्वेंट इज, अरे SN2 रिएक्शन किसमें मैक्स, ये फास्टली होता है, SN2 रिएक्शन सॉल्वेंट होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो देखो ये तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये भी प्रोटिक है, ये तो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये तो नॉन पोलर है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन है, DMSO पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, DMSO क्या होता है, देखो DMSO डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, H3SO, ये आपका क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो SN2 रिएक्शन पोलर एप्रोटिक में होता है, और आप यहीं पे लिख लिया, ध्यान रखना SN1 के लिए क्या चाहिए होता है, SN1 के लिए चाहिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, SN1 रहता तो तुम्हारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, और SN2 अगर पूछ रहा है तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये आपका DMSO क्या है, DMSO, चलो 44 हो गया, अब आते हैं 45 पे, 45 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियो SN1 के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है,
तो आपको पता होना चाहिए SN1 के लिए, SN1 के लिए अगर आपसे पूछेगा तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है कौन सा, एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड सबसे फास्ट रिएक्शन शो करेगा, उसके बाद में अल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, और फिर उसके बाद में आएगा सबसे वीक क्या हो जाएगा, फिनाइल, मतलब डबल बॉन्ड वाला। अगर डबल बॉन्ड वाले पोजीशन पे ही हेलोजन है तो वो सबसे स्लो हो जाएगा। तो देखो एलाइल हैलाइड कहाँ पे है, देखो ये डबल बॉन्ड वाले पे ही हेलोजन है, ये डबल बॉन्ड, अभी हमने बात किया था डबल बॉन्ड वाले पे नहीं होता है ये, SN1 SN2 कुछ भी नहीं होगा, ये रॉन्ग हो गया। ये भी देखो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ये देखो डबल बॉन्ड वाले पे ही हो गया, डबल बॉन्ड वाले पे ही हेलोजन है, इसलिए ये भी रॉन्ग। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड वाले पे भी हेलोजन है यार, ये भी रॉन्ग। तो आंसर क्या होगा, 45 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 45 का आंसर होगा डी होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एलाइल है ना, ये एलाइल हैलाइड है, क्या है, एलाइल हैलाइड, ये आपका एलाइल हैलाइड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज ए काइरल, कौन सा मतलब कितने इन चारों में से कौन कौन से ए काइरल है। देखो लेटर पी ए काइरल चेक करना होता है ना, तो आप सिमेट्री चेक कर लो या फिर इसका मिरर इमेज बनाओ। अगर इसका अगर आप मिरर इमेज बनाओगे तो क्या आएगा, उल्टा, क्या ये दोनों एक दूसरे को आपस में पूरी तरह से ढक लेंगे, नहीं, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, इसलिए क्या होगा पी जो तुम्हारा हो गया ये तुम्हारा काइरल हो गया, एफ भी तुम्हारा सिमिलरली काइरल होगा, ए भी तुम्हारा काइरल ही होगा। कैसे पता चला, देखो एफ है, एफ का अगर मिरर इमेज बनाओगे ऐसा दिखेगा, एक दूसरे को ढक नहीं सकता इसलिए काइरल। ए है, ए का मिरर इमेज बनाओगे, नहीं ए पेयर ऑफ हैंड है यार, ए पेयर ऑफ हैंड, ए नहीं, क्वेश्चन क्या है, ए पेयर ऑफ हैंड, तो पेयर ऑफ हैंड मतलब दो हाथ है भाई। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा काइरल होगा, ए पेयर ऑफ हैंड जो होता है वो बिल्कुल क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता है। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता है, लेकिन देखो बॉल तुम देखना एक दूसरे से नहीं ढक पाएगा, लेकिन अगर तुम बॉल की बात करोगे, बॉल क्या हो गया स्पीयर, अब इसका मिरर इमेज तुम करोगे, इसका मिरर इमेज करोगे तो ये भी क्या होगा, ये भी स्पीयर ही होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये तुम्हारा एक काइरल हो गया, ये क्या हो गया, एक काइरल हो गया। तो बाकी सारे काइरल है, कौन एक काइरल है, बॉल आपका एक काइरल है, तो आंसर क्या होगा, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 1, आंसर हो जाएगा 1। चलो आगे देखते हैं। राइट द आइसोमर ऑफ द कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि ये राइट द आइसोमर, एक्चुअली यहाँ पे लिखना चाहिए राइट द, राइट नहीं, ऐसे होना चाहिए क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ आइसोमर, नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ द कंपाउंड, मतलब इस फॉर्मूला से कितने आइसोमर बन सकते हैं, यही क्वेश्चन है, तो आप राइट कैसे करोगे, ये एक्चुअली नंबर पूछ रहा है। ठीक है, आपसे नंबर ऑफ आइसोमर पूछ रहा है, क्या है C4H9Br, देखो C4H9Br को हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप ड्रॉ कर दो, CH3CH2 CH2, नहीं C4 है ना, C4 है, कितने कार्बन हुए, चार। ठीक है, देखो चार कार्बन, C4H9Br हो गए, तो ये पहला स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, ये पहला स्ट्रक्चर हुआ, अब क्या कर सकते हो, ये Br को ना आप देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अब सेकंड कार्बन पे Br को ऐड कर दो, अब सेकेंड कार्बन को बीआर पे, सेकेंड कार्बन में बीआर को ऐड करोगे तो एक और स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, क्या ये रहा, और ये पहला और दूसरा क्या हो गया, एक दूसरे का आइसोमर है, कौन सा आइसोमर है, तो अगर आप बात करोगे पोजीशन चेंज करती हो ना, तो ये आपका हो गया पोजीशन आइसोमर, क्या हुआ, पोजीशन है। अब क्या हम इसको और इधर कर सकते हैं क्या, नहीं, थ्री पे तुम करोगे तो फिर सेम ही रह जाएगा, तो पोजीशन आइसोमर और नहीं बनेगा, अब आप चेन आइसोमर बना सकते हो, अब आप चेन आइसोमर बनाओगे तो कैसे बनेगा, थर्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, क्या रहा, ये चार कार्बन पेरेंट चेन में चार कार्बन थे ना, अब एक काम करते हैं ना, पेरेंट चेन में हम थ्री कार्बन रखते हैं, पेरेंट चेन में थ्री कार्बन रखते हैं। ठीक है, एक तुम्हारा क्या हो गया,
यहां पे कार्बन आ गया, चार कार्बन हो गया और यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, तो ये आपका एक चेन आइसोमर बना। मतलब सेकेंड और थर्ड क्या हो गया, चेन आइसोमर। सेकेंड और थर्ड क्या हुआ, चेन आइसोमर। फिर अब आओ एक और तुम्हारा स्ट्रक्चर बन सकता है फोर्थ नंबर, चेन आइसोमर में ही तुम्हारा क्या कर सकते हो, यहाँ पे कार्बन था, अब ब्रोमीन का पोजीशन चेंज कर दो, ब्रोमीन जो तुम्हारा कॉर्नर पे था उसको अब यहाँ पे बीच पे रखो यहाँ पे, ठीक है। तो एक और आइसोमर बन गया। अब फर्दर तुम ट्राई करना, और आइसोमर आपके पॉसिबल नहीं है, चार ही बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बन सकते, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे भी पोजिशन चेंज कर दिया ना, देखो टू और फोर, टू और फोर भी क्या हो गया आपका, चेन आइसोमर हो गए। टू और फोर की बात करो तो भी आपका चेन आइसोमर हो गया, चेन चेंज हो गया ना, पेरेंट चेन तुम्हारा क्या हो गया, टू में चार पेरेंट चेन थे और फोर में पेरेंट चेन कितने कार्बन है, तीन है। तो इसमें कितने आइसोमर बन सकते हैं, कितने आइसोमर बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर फोर होंगे, 47 का आंसर क्या हो जाएगा, फोर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 कह रहा है टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन एंड इलिमिनेशन प्रोडक्ट, कह रहा है कितने सब्स्टिट्यूशन और इलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाओ, क्या है, CH3OH। सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाओगे, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाओगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाओगे तो ये देखो Cl डैश पे था, वो CH3 को डैश पे जोड़ दो, पहला सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, रिटेंशन, रिटेंशन प्रोडक्ट हो गया। अब आते हैं एक और इन्वर्जन प्रोडक्ट भी बन जाएगा, CH3 डैश पे था, अब इसको वेज पे डाल दो, मतलब ये जो तुम्हारा क्लोरीन डैश पे है ना, अब OCH3 को वेज पे डाल दो, एक और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बना। तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट कितने बने, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट की संख्या हो गई आपकी टू। अब आते हैं इलिमिनेशन प्रोडक्ट, इलिमिनेशन प्रोडक्ट में क्या होता है, तुम्हारा अल्किन बनता है, अल्किन बनता है कहां का हाइड्रोजन हटता है, बीटा हाइड्रोजन, ये अल्फा रहा, ये बीटा रहा, ये बीटा रहा, तो मतलब जब यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो आपका क्या होगा, यहां से अगर हाइड्रोजन रिमूव होगा तो प्रोडक्ट बनेगा आपका क्या, ये CH3 था, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और अगर इस साइड से आपका हाइड्रोजन हटेगा, ये वाला बीटा हाइड्रोजन हटेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये रहा। तो इलिमिनेशन प्रोडक्ट में कितने बने, इलिमिनेशन प्रोडक्ट में दो बने, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन दो, इलिमिनेशन दो, टोटल क्या हो गया, चार। तो इसका आंसर क्या होगा, 48 का आंसर होगा फोर, ठीक है। चलो अब दो क्वेश्चन और है, 49 एंड 50, एंड उसके बाद आपका ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो 49 क्या कह रहा है, 1,2-dibromopropane ऑन ट्रीटमेंट विद x मोल ऑफ NH2 फॉलोड बाय ट्रीटमेंट ऑफ विद C2H5Br गिव्स pentyne, ठीक है। ये आपको पूछ रहा है The value of x, मतलब ये कह रहा है ये जो x मोल है ये पूछ रहा है NaNH2 का कितना मोल आपको चाहिए जिससे पेंटाइन बना लोगे, किससे पेंटाइन बनाना है, 1,2-dibromopropane CH2 CH CH3, ये ब्रोमीन है, ये भी आपका ब्रोमीन, देखो ये हो गया ना 1,2,3 हो गया 1,2-dibromopropane, ये क्या है 1,2-dibromopropane है। तो 1,2-dibromopropane में अगर आप रिएक्शन कराओगे NaNH2 से, तो NaNH2 से रिएक्शन कराओगे तो अब क्या होगा, और इसको इसके मैकेनिज्म को देखते हैं, इसके मैकेनिज्म को देखते हैं, ये आपका CH, तो मैं ऐसे H लिख देता हूँ, ये तुम्हारा CH है, इधर H लिखो, ये तुम्हारा Br हुआ, ये आपका Br हुआ, ये आपका CH3 हो, और आपने क्या लिया है NaNH2, NaNH2। अब देखो ये NaNH2 है, अब NaNH2 में क्या होता है, नाइट्रोजन पे तो माइनस, Na पे प्लस, नाइट्रोजन में माइनस है, NH2 में क्या है, प्लस है। एक्चुअली ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है,
स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, मतलब ये अगर मान लीजिए ये एन एच टू इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और ये ब्रोमीन बाहर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे एक पार्शियल, ये एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा एक डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो जब एक मोल एन ए एन एच टू लाओ लिए तो एक डबल बॉन्ड आया, एक और मोल आप एन ए एन एच टू लोगे, अगर मान लो ये दो मोल रहता, दो मोल रहता तो क्या होता, ये हाइड्रोजन भी ये एन ए एन एच टू क्या करता, मैं यहां से लिखता था माइनस है, ये माइनस इस हाइड्रोजन पे अटैक करता, ये ऐसे बॉन्ड ओपन होता और ये ब्रोमीन बाहर चला जाता, जिससे आपको क्या मिलता, अगर ये दो मोल रहता तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलता, आपको प्रोडक्ट मिलता क्या, आपको प्रोडक्ट मिलता अल्काइन, क्या प्रोडक्ट मिलता अल्काइन, कौन सा CH ट्रिपल बॉन्ड, CH बॉन्ड CH, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया प्रोपाइन। लेकिन आपको क्या कर रहा है, आपको बोल रहा है कि भैया पेंटाइन बन रहा है, क्या बन रहा है, प्रोडक्ट पेंटाइन मिल रहा है, और इस रिएक्शन में क्या लेना है, C2H5Br भी यूज करना है, तो आप C2H5Br का यूज करते हैं, तो C2H5Br डायरेक्ट यूज नहीं होगा, आप क्या करना, ये जो लिखा हुआ है ना मैं इसको फिर से लिखता हूँ, क्या है CH3 है और क्या है CH है, ट्रिपल बॉन्ड है और क्या है CH है, अब यहाँ पे डायरेक्ट C2H5Br यूज नहीं होगा, आपको क्या यूज करना होगा, फिर से NaNH2 लेना होगा, ये क्या है, ये है आपका बेस, और ये हाइड्रोजन क्या हो गया, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े हुए हैं तो ये हो गया एसिडिक हाइड्रोजन, क्या हो गया एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ठीक है, NaNH2 क्या करेगा, उस हाइड्रोजन को लेके बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा माइनस NH3 आपका रिमूव होगा, और प्रोडक्ट में क्या बनेगा CH3 बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस आ गया, हाइड्रोजन बाहर चला गया और इसी से आपका ऐड हो जाएगा Na+, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब आपका यूज होगा कौन सा, आपने क्या लिया था, आपने लिया था C2H5Br, तो C2H5Br को ले लो, यहाँ पे मान लेते हैं, लिख लेते हैं C2H5Br, क्या होगा ये अब माइनस अटैक करेगा किस पे, इस कार्बन पे अटैक करेगा और Br आपका बाहर चला जाएगा, Br बाहर चला जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड C2H5, लो पांच कार्बन हो गया ना, एक दो तीन और यहाँ पे दो है, तीन चार पांच, यहीं पे टोटल पांच कार्बन हो गया, क्या हो गया पेंटाइन बन गया ना, क्या बना इसका नाम क्या होगा, पेंट टू वाई, यानी पेंट टू, दो पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है ना, सेकंड पोजीशन पे, ठीक है, और यहाँ पे मिस्टेक हो गया है क्या, ये हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन ये बन, तो क्या बना आपका पेन टू वाइनिंग, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली देखो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे ना, अरे यहाँ पे ड्रॉ कर लिखने में ये मिस्टेक हो गया था ना, एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ये 32 लिखा गया था, ठीक है, कार्बन चार ही बॉन्ड बनाते हैं ना, कार्बन आपको कितने बॉन्ड बनाते हैं, फोर बॉन्ड बनाते हैं, तो तुम चेक कर लेना, कार्बन फोर बॉन्ड बनाते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कार्बन एक एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और एक पहले से चार बॉन्ड, यहाँ पे ठीक है, ये रहा, तो क्या हो गया 1,2-dibromopropane ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्स मोल ऑफ NaNH2 फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ C2H5 4 गिव्स पेन टू अगेन द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स आपने कितने मोल लिए, दो मोल, यहाँ पे दो मोल आपने यहाँ लिया, दो मोल NaNH2 और फिर आपने एक मोल यहाँ पे लिया, टोटल कितने मोल लिए, टोटल आपने लिए 3 मोल, देख रहे हो यहाँ पे दो एक मोल है और आपने स्टार्टिंग में दो मोल लिया था, टोटल कितने मोल लिए 3, तो आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा, क्या होगा आंसर 3 होगा, ठीक है।
आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, कितने प्रोडक्ट आपके बनेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। देखो क्या लिखा हुआ है, अल्कोहलिक KOH हमने बात किया था, अल्कोहलिक KOH होता है तो हमेशा कौन सा रिएक्शन होगा, इलिमिनेशन E2, और वही अगर एक्वस KOH रहता, एक्वस KOH रहता तो क्या होता, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अल्कोहलिक KOH तो कौन सा रिएक्शन होगा, E2 होगा, यानी कि जो तुम्हारा बीटा हाइड्रोजन है वहां से हटके डबल बॉन्ड, मतलब बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा और वहां पे डबल बॉन्ड आता है। तो देखो ये तुम्हारा अल्फा, ये बीटा, तो बीटा हाइड्रोजन होगा हटेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर यहां से हटा मान लीजिए इसको मैं ए बोल देता हूँ और इसको बी बोल देता हूँ, अगर मान लीजिए ए वाला बीटा हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, और अगर बी वाला बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, बी वाले से हटेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। अब बताओ ये तो तुम्हारा जो डबल बॉन्ड है इसके इस पे जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, एक इथाइल ग्रुप है, चारों ग्रुप डिफरेंट है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो इस कार्बन पे जो ग्रुप, दो ग्रुप जुड़े हुए हैं ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा एक सिस ट्रांस, एक सिस शो करेगा और एक ट्रांस भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों तो हाइड्रोजन है, लास्ट वाले कॉर्नर वाले कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन है, कॉर्नर वाले कार्बन पे आपका क्या है, दोनों हाइड्रोजन है, तो क्या ये GI शो करेगा, ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो टोटल आइसोमर की संख्या कितनी होगी, स्टीरियो काउंट करोगे तो यहाँ पे आपको दो मिल रहा है, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, कोई स्टीरियो नहीं मिलेगा, तो टोटल कितना हो गया, 3, क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर की संख्या क्या हो गई, 3 हो गई, आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके आपके जो टेस्ट कोड थे, टेस्ट कोड कौन सा था, आपके जो टेस्ट कोड था SB80 2524 के, केमिस्ट्री के हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में, ओके बाय, थैंक यू।